नमस्कार, मैं हूं अनुश्री और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का राजस्थान यूट्यूब चैनल। शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है। भारतीय संस्कृति में इस रिश्ते को अहम जगह दी जाती है। लड़का लड़की इस रिश्ते के इस पवित्र रिश्ते के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, लेकिन कलयुग में तस्वीर कुछ और है। आज इस रिश्ते के मायने बदल चुके हैं। ताजा मामला राजस्थान का है, जहां एक दो नहीं बल्कि 4 युवकों के साथ शादी के नाम पर छल हुआ। उन्हें दुल्हन तो मिली, लेकिन लुटेरी जो उन्हें लूटकर रफू चक्कर हो गई। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जालोर में आहोर इलाके के आसपास ही रहने वाले 4 युवक रूप सिंह, धनाराम, अमृत भाई और जगदीश के साथ ये छल हुआ है। चारों ने अब पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है और न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक बीते जुलाई महीने के आसपास ही इन 4 युवकों को अलग अलग परिस्थिति में एक गिरोह के सदस्य ने बहकाया और सुंदर लड़की का रिश्ता दिखाया। बदले में चारों से अलग अलग करीब 2 लाख रुपए भी हड़प लिए। फिर चारों युवकों की शादी न्यायालय के तरीके से भी हुई। वैसे तो शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद ही एक एक कर इन चारों की दुल्हनों ने ढेर सारा कैश और जेवर लेकर पीहर के घर जाने का बहाना बनाया। बस फिर क्या था, जब अगले दिन पति ने अपनी पत्नी को फोन घुमाया तो पति की बात पत्नी से नहीं करवाई गई, साथ ही जान से मारने तक की धमकी दे डाली। बता दे, पुलिस FIR के मुताबिक इस मामले में इन चारों पीड़ितों को फंसाने वाला एक ही गिरोह का माना जा रहा है, जिसने बड़ी चालाकी से इन 4 युवकों की शादी करवा दी। फिलहाल चारों युवक पुलिस के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचे हैं, जिनके सारे सपने अब टूट गए हैं। ना ही पत्नी मिली और ना ही खजाना रहा, अब करे भी तो क्या, लुटेरी दुल्हन ने सब लूट लिया। राजस्थान की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 का राजस्थान यूट्यूब चैनल।